टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन, बेस्ट बुक्स फॉर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसके लिए राउचेस करके कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरम दिया, राउचेस थ्योरम उनके नाम के रिस्पेक्ट में बोला जाता है। राउचेस थ्योरम क्या बोलता है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के आर ऑफ द सेम रैंक, अदरवाइज द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास अभी जो लीनियर इक्वेशन अभी तक जो आ रहे थे, वहां से मैंने आपको सिखाया था पिछले वीडियो में कि आप एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकाल सकते हैं और एक क्या निकाल सकते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अगर दोनों मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक सेम है तो सिस्टम जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा, मतलब उन दोनों, उस सिस्टम का क्या निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा। अगर मान लीजिए दोनों मैट्रिक्स का रैंक डिफरेंट है तो वो दोनों मैट्रिक्स का रैंक डिफरेंट होने से दोनों जो सिस्टम है वो उसका सॉल्यूशन आप नहीं निकाल पाएंगे, मतलब जो लीनियर इक्वेशन आएगा उसका सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया राउची थ्योरम, ये तो थ्योरम है जस्ट सिंपल, लेकिन इसको टेस्ट कैसे करें, तो इसको अपन बोलते हैं प्रोसीजर टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम, मतलब एक प्रोसीजर है कंसिस्टेंसी को चेक करने का, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम को चेक करने के लिए प्रोसीजर क्या है, तो प्रोसीजर बोलता है फाइंड द रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बाय रिड्यूसिंग ए टू द ट्रायंगुलर फॉर्म बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। मतलब आपके पास जो मैट्रिक्स ए होगा जिसको अपन कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं, अपन उसका क्या निकालेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, दो टाइप के ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपन कोशिश करेंगे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाए, मतलब नीचे वाले डायगोनल के एलिमेंट्स के नीचे वाले जितने एलिमेंट्स है सारे के सारे क्या कर देना है, जीरो कर देना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे ए को, मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स को, किसके फॉर्म में, ट्रायंगुलर फॉर्म में बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, उसमें रो ऑपरेशन लगा लगा के, ठीक है। एंड लेट द रैंक ऑफ ए, जो मैट्रिक्स है उसके रैंक को अपन क्या मान रहे हैं, आर, और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसके रैंक को क्या मान रहे हैं, आर डैश, क्लियर है। तो यहां से अपने को क्या होगा, जब अपन रैंक निकाल लेंगे तो अपने को कैसे पता चलेगा, अगर मान लो रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से इक्वल नहीं आया तो अपन बोलेंगे इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, मतलब उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। कहने का मतलब वो जो लाइंस होंगी वो कैसे होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। अगर मान लीजिए रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और नंबर ऑफ अननोन्स, ये एन क्या है, नंबर ऑफ अननोन मतलब वेरिएबल्स की बात हो रही है, आपके सिस्टम में कितने वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है। अगर मान लो रैंक जो है नंबर ऑफ अननोन के इक्वल आ रहा है दोनों मैट्रिक्स का, कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, तो इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट होगा, उसका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, क्लियर है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक और एक सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अगर मान लीजिए रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के, बट ये दोनों जो रैंक आ रहा है वो नंबर ऑफ अननोन से छोटा आ रहा है, तो अपन बोलेंगे इक्वेशन आर कंसिस्टेंट लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहने का मतलब कि लाइन एक दूसरे पर कैसे होंगी, कोइंसाइड हो रही होंगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये जस्ट एक टेस्ट है, टेस्ट करने के लिए अपना ये प्रोसीजर है कि अपन कैसे चेक करें किसी सिस्टम का सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, क्या है। तो ये सब पता करने के लिए ये सारे टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए देखते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन बताऊंगा जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पूछे गए हैं। पहले आप वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं इसी के ऊपर एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेस्ट द कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व, ठीक है। आपको तीन इक्वेशन दिया और पूछा कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं पता कीजिए। कंसिस्टेंट मतलब ये तीनों इक्वेशन से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, चेक करना है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पर पहले तो मैट्रिक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। अपना फॉर्मेट अपन जानते हैं क्या होता है, ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्मेट में है ये इक्वेशन। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 5, 3, 7, 3, 26 एंड 2 और ये 7, 2 एंड 10 और यहां पर अपने को दिया है इक्वेशन, समझिए बात को। x का वैल्यू कितना दिया है, x का वैल्यू अपने आपको दिया है, चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ पे ध्यान से समझने की बात कोशिश कीजिएगा। ये कितना है अपने पास, x का वैल्यू अपने को दिया है x y and z और b मैट्रिक्स की वैल्यू अपने को कितना दिया है 4, 9 and 5, ठीक है।
अब अपने को क्या करना है, इसे मैं जैसे कि बताया इसमें अपन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के इसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब या तो ऊपर के एलिमेंट जीरो है तो नीचे के एलिमेंट जीरो बनेंगे। जनरली अपन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से बताते हैं, नीचे के एलिमेंट्स को क्या करते हैं, जीरो बनाते हैं। ठीक है, तो इसे जीरो बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं। पहले फिलहाल यहाँ पर अपन कर सकते हैं कि देखो इसे 15 15 बनाया जा सकता है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। क्या चेंज कर देता हूँ, R1 tends to 3R1 and R2 tends to 5R2। क्लियर है ये बात? ठीक है, इसे इंटरचेंज करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, चेक कीजिएगा, ये बन जाएगा तुम 15, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 21 और 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा 15, 5 into 26 कितना हो जाएगा, 5 6 जा 30 का 0, 3 5 2 जा 10 और ये 130 और ये बन जाएगा 5 2 जा 10 और ये आ जाएगा आपका 7 2 एंड 10। ठीक है, और यहाँ पर ये सेम रहेगा x y एंड z, इसे अपन चेंज कर देंगे। देखिए 3R1 मतलब ये कितना बन जाएगा 12 और 5R2 मतलब ये कितना बन जाएगा 45 और ये आ जाएगा अपने पास 5। क्लियर, अब समझिए बात को, इसे अपन क्या करेंगे, इसे जीरो कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, R2 tends to R2 minus R1, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 15 9 एंड 21, ये माइनस होगा तो 15 माइनस 15 हो जाएगा 0। ठीक है, और 130 माइनस 9 आ जाएगा 121, 10 माइनस 21 हो जाएगा माइनस ऑफ 11। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास 7 2 एंड 10, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पर ये भी एज इट इज रहेगा x y एंड z, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, R2 माइनस R1 करेंगे तो 45 माइनस 12 33 और ये आ जाएगा अपने पास 5। क्लियर है, अभी और ऑपरेशन लगाएंगे अपन। अभी अपन और क्या कर सकते हैं, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, अपन कर सकते हैं देखिए ये 35 बन रहा है, 75 जो 35 बन जाएगा, इससे भी मैं 35 बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, R1 इंटरचेंज विथ 7/3R1, इससे क्या होगा, 35 जो 15, 75 जो 35 कट जाएगा, करेक्ट है। R2 इंटरचेंज कर देते हैं अपन किससे, R2/11 लिख देते हैं, R2/11, ठीक है, 1/11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं R2/11, और R3 को इंटरचेंज कर देते हैं किससे, 5R3 से। क्लियर है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, चेक करना, 7/3, तो ये हो जाएगा 35, ठीक, 7/3 तो 3 जा 7 3 जा 21 और 7/3 तो 7 7 जा हो जाएगा 49। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 7 से 7 5 जा 35 बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा आपके पास 50। क्लियर है, और यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा x y एंड z और ये बन जाएगा आपके पास 7/3 मतलब 3 4 12, 7 4 28 और R2/11 करेंगे तो ये बन जाएगा 3 और 5/5 जब कर देंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ पर और इंटरचेंज हो सकता है, अभी अपन क्या कर सकते हैं, अभी अपन इसे जीरो बना सकते हैं, मतलब R3 tends to R3 minus R1 कर दूंगा तो ये जीरो बन जाएगा, है ना, या इसे ऐसा लिख देता हूँ, R3 tends to R3 minus R1, तो क्या आएगा आंसर, चेक करो, 35 minus 35 जीरो, 10 minus 21 minus 11, माइनस 11 प्लस 11 कर दूँ तो जीरो हो जाएगा ना, 50 माइनस, हाँ ठीक है, तो एक काम करो यहाँ पे प्लस R2 भी कर दो। ठीक है, और ऐसा करोगे तो आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। क्लियर है, क्या फायदा मिलेगा आपको, बन जाएगा, अच्छा और ये भी चेंज कर दो, R1 को भी चेंज कर देंगे, लेकिन पहले ये इतना ऑपरेशन लगाते हैं, R3 चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 35 21 49, ये आ रहा है 0 11 माइनस 1 और ये चेंज होकर क्या बन रहा है, चेक करो, ये आपके पास क्या बन रहा है, 35 माइनस 35 हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 10 माइनस 21 माइनस 11 प्लस 11 हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 50 माइनस 49 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, ये पूरा 0 में कन्वर्ट हो गया, समझ रहे हैं बात। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये x y z एस एट इज उतरेगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा, ध्यान से देखना, 28 3 और ये हो जाएगा 0। बात को समझने की कोशिश कीजिए, 25 माइनस 28 हो जाएगा माइनस 3 प्लस 3, आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। अब आपको दिख रहा है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स से क्या है, 2 दिख रहा है, और रैंक ऑफ ये भी आपको कितना दिख रहा है,
ये भी तो यहाँ पे भी तो टू ही आएगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक कितना आएगा, टू ही आएगा, है ना, क्योंकि नीचे वाली पूरी लोग क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अभी एक ऑपरेशन और लग सकता है, इसको अपन चेंज कर सकते हैं, इसे भी चेंज कर देते हैं। पहले आप वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ, है ना, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं इधर मिटा देता हूँ। देखिए आप क्या होगा अपने पास, बात को समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, आर वन इंटरचेंज विथ आर वन बाई सेवन कर सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास 5 3 7 और ये कितना हो जाएगा 0 11 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 0 0 एंड 0 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई एंड जेड, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 24, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा 4 3 एंड 0, ठीक है। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। देखो आप पहले बात को समझने की कोशिश करो, अगर जैसे मैं मैट्रिक्स ए पकड़ता हूँ, मैट्रिक्स ए मेरे पास क्या रहा है 5 3 7 0 11 माइनस 1 0 0 0, मतलब इसका रैंक ऑर्डर 3 तो हो ही नहीं सकता, माइनर ऑफ ऑर्डर 3 क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, क्योंकि इसके थ्रू एक्सपांड छोड़ोगे तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा। माइनर ऑफ ऑर्डर 2 कैसा है, नॉन जीरो है, मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है मेरे पास 2, क्लियर है, मतलब इसी को मैंने R बोला है वहां पर, है ना, जो इससे पहले मैंने आपको प्रोसीजर पढ़ाया। और अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करूं, ठीक है, ये जो चीज सामने आ गई, ये तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है जिसका रैंक 2 आ रहा है, R 2 आ रहा है, और अगर मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करूं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब 5 3 7 0 11 माइनस 1 0 0 0 और ये भी यहां पे उतार दीजिए 4 3 0, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, के ये के है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, क्लियर है। इसका भी रैंक कितना आ रहा है आप चेक कर लो, इसका भी रैंक ऑर्डर 3 का माइनर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये क्या है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका भी माइनर ऑफ ऑर्डर 3 क्या है, 0 है, जितने भी माइनर ऑफ ऑर्डर 3 निकलेंगे 0 निकलेंगे, चेक कर लो, ये एक माइनर ऑफ ऑर्डर 3 निकल रहा है जिसके ये वाली रो पूरी 0 है तो पूरा एलिमेंट 0 हो जाएगा, ये भी ऑर्डर 3 का माइनर निकल रहा है, इसका भी पूरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0, मतलब माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इसका भी कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। तो कहने का मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक है, मतलब रैंक ऑफ किसकी बात कर रहा हूँ, ए रेशियो बी की, वो भी कैसा आ रहा है मेरे पास, 2 आ रहा है, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक सेम है, समझ में आ रही बात। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज 2, है ना, हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, क्योंकि दोनों का रैंक कैसा है, सेम आ रहा है ना, रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक अगर सेम आता है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के साथ कंसिस्टेंट होता है, ये तो चेक करना था, क्वेश्चन में बोला था चेक द कंसिस्टेंसी, तो अपन ने बोल दिया सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट है, मतलब सॉल्यूशन निकलेगा, आप चाहे एक सॉल्यूशन निकले चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकले, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा वो भी देख लेते हैं, अब सॉल्यूशन क्या होगा बात को समझिए, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं, मैं इसे रफ कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन क्या आने वाला है, सॉल्यूशन क्या आएगा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या नजर आ रहा है 5x + 3y + 7z, है ना, 5x + 3y + 7z इक्वल टू मेरे को क्या मिल रहा है, इक्वल टू मेरे को मिल रहा है 4, और 11y - z इक्वल टू क्या मिल रहा है मेरे को 3, ठीक है। तो यहां से अगर मैं चाहूँ तो चलो इसे भी मैं रफ कर देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, ठीक है, ये हटा दिया हमने। अब आप बात को समझिएगा, यहां से मैं चाहूं तो x की वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है, x की वैल्यू क्या निकल रही है मेरे को, यहां से x की वैल्यू मिल रही है, इस इक्वेशन से मिल रही है 4 by 4 - 3y - 7z / 5, मतलब मिल रहा है 4 by 5 - 3y / 5 - 7z / 5, ठीक है, ये मिल रहा है x का वैल्यू, और y का वैल्यू मेरे को क्या मिल रहा है, y का वैल्यू मेरे को निकालूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 3 by 11 - z by 11, ये मिल रहा है, ठीक है। और आपको दिख रहा है कि ये तीसरे वाली इक्वेशन से z इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, hence x इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, चेक कर लो,
x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ये z वाला टर्म जीरो, तो ये हमारे पास क्या बचेगा 4 बाई फाइव माइनस 3y by 5, नहीं तो एक काम करो पहले y का ही वैल्यू निकालो है ना, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 by 11 माइनस 0, मतलब आंसर आ जाएगा y का वैल्यू 3 by 11 और z का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 by 5 माइनस 3 by 5 और ये आ जाएगा आपके पास y का वैल्यू पुट करना पड़ेगा 3 by 11 है ना, और z वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, LCM आएगा 55, ऊपर हो जाएगा 44 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 9, मतलब आंसर आ जाएगा 35 बाई 55, मतलब आंसर आ जाएगा 7 बाई 11, तो x का वैल्यू कितना, z का वैल्यू कितना, सॉरी x का वैल्यू कितना आ रहा है 7 बाई 11, x का वैल्यू आ गया 7 बाई 11, y का वैल्यू आ गया 3 बाई 11 और z का वैल्यू कितना आ गया 0, क्लियर है, आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। आइए आप देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछे हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी 2007 में, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी 2006 में, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी 2011 में, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक 2004 में, ठीक है, और भी यूनिवर्सिटीज में पूछते हैं ऐसे सवाल, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है आपको, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, लैम्डा और म्यू की किस वैल्यू के लिए इक्वेशन जो है, ये तीन इक्वेशन जो दिए हैं उनके नो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, यूनिक या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, मतलब लैम्डा और म्यू के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए कब नो सॉल्यूशन होगा, कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कौन सी वैल्यू के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ये फाइंड आउट करना है, क्लियर है, आपसे इन सारी यूनिवर्सिटीज में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको मैंने टेस्ट ऑफ बता दिया कि प्रोसीजर क्या है टेस्ट करने का कंसिस्टेंसी के लिए, बस वही प्रोसीजर को अपन फॉलो करेंगे और अपना क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनाना है क्वेश्चन को, पहले मैंने जैसे कि आपको बताया सॉल्यूशन में आप क्या ले लीजिए, ए एक्स इक्वल टू बी ले लीजिए, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है आपकी 1 1 एंड 1, फिर क्या है आपके पास 1 2 एंड 3, और फिर आपके पास क्या है 1 2 एंड लैम्डा, क्लियर है, और x की वैल्यू आप कितना पुट करेंगे x y एंड z, और यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे 6 10 एंड म्यू, क्लियर है, ठीक, अब अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन इसे और रो ऑपरेशन लगा लगा के क्या करेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अपन यहाँ पे इंटरचेंज कर सकते हैं R3, पहले अपन R3 को इंटरचेंज कर देते हैं, R3 इंटरचेंज विथ R3 माइनस R2 किया जा सकता है, तो इससे क्या होगा यहाँ पे जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा, तो कर दीजिए तो क्या बन जाएगा 1 1 एंड 1, 1 2 एंड 3, ये बन जा रहा है 1 माइनस 1 जीरो, 2 माइनस 2 माइनस 0, लैम्डा माइनस 3, और ये एज इट इज उतरेगा x y एंड z, और इसकी वैल्यू आपके पास उतर जाएगी ध्यान से देखिए 6 10 एंड म्यू माइनस 10, क्लियर है, अभी आप देखो आप इसे भी जीरो बना सकते हो, तो बना दो जीरो, क्या लिख देंगे अपन R2 इंटरचेंज विथ R2 माइनस R1, तो क्या बन जाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 1 1 1 में 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 आपके पास आ जाएगा 2, क्लियर है, और ये क्या आ रहा है 0 0 एंड लैम्डा माइनस 3, और यहां पर आपके पास ये एज इट इज उतरेगा एक्स वाई एंड जेड, और इसकी वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा म्यू माइनस 10, क्लियर है, समझ गए, यहां तक तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, अब खेल इसके बाद से शुरू होता है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि कब नो सॉल्यूशन होता है, कब यूनिक सॉल्यूशन होता है और कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, ठीक है, तो बात को समझने की कोशिश करते हैं कि नो सॉल्यूशन कब होता है, नो सॉल्यूशन के लिए आप सभी जानते हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मैं लिख दूंगा केस 1 फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए दोनों का रैंक क्या नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए या कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए रेशियो बी, समझ में आ रही है बात, तब आप बात को समझिए कि रैंक ये दोनों का रैंक कब इक्वल नहीं होगा, सीधी सीधी बात है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लैम्डा माइनस 3 को इक्वल टू 0 कर दूं तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और तो ये भी जीरो बन जाएगा, लेकिन म्यू माइनस 10 को जीरो नहीं होने देना है, समझ में आ रही है बात, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, फॉर इसके लिए, फॉर नो सॉल्यूशन की इन दोनों का रैंक बराबर ना हो उसके लिए अपने को क्या करना चाहिए, अपने को यहाँ पे हो जाना चाहिए कि लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 3 हो जाएगा, समझ में आ रही है बात, और लैम्डा अगर 3 के इक्वल हो गया, अच्छा म्यू माइनस 10 को इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे लिख दीजिए म्यू माइनस 10 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब म्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 10 नहीं होनी चाहिए, अब इससे फर्क क्या पड़ेगा,
इससे फर्क यह पड़ेगा कि मान लीजिए ये जीरो हो गया तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा 2, लेकिन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक अगर यहाँ पे ये 10 नहीं हुआ, कुछ भी वैल्यू आ गई जीरो को छोड़कर, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा, समथिंग कुछ भी हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? जैसे कि मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर लैम्डा 3 हुआ तो ये बन जाएगा 111, 012 और ये बन जाएगा 000। मतलब रैंक ऑफ ए कितना आ रहा है, रैंक ऑफ ए आपके पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। बट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रेशियो बी की अगर बात की जाए, 111, 012, 000 और ये आपका क्या 64 और ये म्यू माइनस 10 की जगह, म्यू की जगह कुछ भी डाल दो, बस जीरो नहीं होना चाहिए। मान लो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, मैं कुछ 11 पुट कर दिया। तो अब आप ये देखो इसका रैंक क्या हो रहा है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए रेशियो बी कितना आ रहा है, ये आपका 3 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसका रैंक अगर ये नॉन जीरो आया, मतलब म्यू माइनस 10 जीरो नहीं हुआ, 10 को छोड़कर म्यू की कोई भी वैल्यू हो गई, तो आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 3 हो जा रहा है, लेकिन कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक 2 हो जा रहा है। मतलब रैंक बराबर नहीं आ रहा, मतलब सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए बोल रहे हैं कि अगर नो सॉल्यूशन कराना है तो लैम्डा की वैल्यू 3 रख दीजिए और म्यू की वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए, बस 10 मत रखिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ये चीज? ठीक, अब आप बात को समझिएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यूनिक सॉल्यूशन की बात करता हूँ। ठीक है, किसकी बात करूंगा, यूनिक सॉल्यूशन। वीडियो पॉज करके पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा, मैं यूनिक सॉल्यूशन की बात करूंगा तो मैं इसे रफ करूंगा, ठीक है, आप लोग नोट कर लेना। अब मैं आपको बताता हूँ यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, या चलिए लिखे रहने दीजिए, इसको भी क्या दिक्कत है ना, इसको भी आप एक काम करते हैं, फॉर नो सॉल्यूशन लिखे रहने देते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए शुड नॉट बी इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, है ना। तो यहाँ पर अपन क्या बोले, लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, तो लैम्डा की वैल्यू 3 हो जाए। म्यू माइनस 10 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, नॉट इक्वल टू 10 आनी चाहिए, बस बात खत्म। ठीक है, अब अपन बात करते हैं केस 2 की। किसकी बात करते हैं, केस 2। केस 2 हमारे पास क्या होता है, केस 2 होता है फॉर यूनिक सॉल्यूशन। किसकी बात कर रहा हूँ, यूनिक सॉल्यूशन की। अब यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, कब होता है यूनिक सॉल्यूशन, जब रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल हो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और ये भी इक्वल हो नंबर ऑफ अननोन्स के। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ अननोन, मतलब एक्स वाई जेड की बात हो रही है, तीन अननोन है। ठीक है, अगर ये तीनों को इक्वल करना है, मतलब तीनों का रैंक क्या आना चाहिए, 3, 3, 3 आना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन कितने, 3 है, ये बाई 3 है, तो इसको भी 3 आना चाहिए, इसको भी 3 आना चाहिए। अब ये दोनों 3, 3 कब आएंगे, ये दोनों 3, 3 कब आएंगे, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। रैंक ऑफ ए 3 कब होता है, 3 कब हो सकता है, जब लैम्डा माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लैम्डा माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 3 को छोड़कर कुछ भी हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर ये 3 नहीं हुआ तो अपना कोई भी आंसर आ जाएगा, म्यू की वैल्यू आप कुछ भी डालो, म्यू का कुछ भी वैल्यू हो अपने को चलेगा। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू कैन हैव एनी वैल्यू, कैन हैव एनी वैल्यू। ऐसा होने से क्या होगा कि म्यू की वैल्यू अगर मान लीजिए 10 भी आप रख देते हैं, 10 माइनस 10 जीरो भी हो जाए, तो भी अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात? जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूं तो आपको शायद ज्यादा क्लियर हो जाए। लैम्डा 3 नहीं होना चाहिए, मतलब ए मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, 111, 012, 00 और ये 3 नहीं होगा, कुछ भी आ गया, मान लो 2 आ गया, तो इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना आ रहा है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स से तो 3 आ गया, लेकिन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की अगर बात की जाए ए रेशियो बी की, तो ये क्या हो जाएगा, 111, है ना, 111 और ये 6 लिख देता हूँ, 012 एंड 4 लिख देता हूँ, 002 और यहां पर क्या लिख देता हूँ, यहां पे मान लो 0 रख दिया। ठीक है, मतलब म्यू की वैल्यू 10 पुट कर दिया, 10 माइनस 10 0 आ गया सपोज कीजिए। अब आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए रेशियो बी भी कितना आ रहा है, 3 ही आ रहा है। आप चेक करके देख लो ना, माइनर ऑफ ऑर्डर 3 नॉन जीरो आएगा, माइनर ऑफ ऑर्डर 3 चेक करो, जैसे आप ये वाला ऑर्डर 3 माइनर लेते हो तो ये नॉन जीरो आ रहा है, या ये वाला ऑर्डर आप लेते हो तो भी नॉन जीरो आ जाएगा। समझ में आ रही बात? इसलिए बोल रहा हूँ कि म्यू की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, आप 10 भी रख सकते हो, 0 आ जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस लैम्डा माइनस 3 जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब लैम्डा की वैल्यू 3 का छोड़कर कुछ भी हो तो अपना यूनिक सॉल्यूशन होगा। समझ में आ रही बात? अब एक केस और बचता है, कौन सा, एक आपका बचता है केस 3 इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं केस 3 इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर लिखता हूं केस 3 किसके लिए, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस केस के लिए अपने को क्या चाहिए कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए
इक्वल तो आना चाहिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के, बट ये नंबर ऑफ अननोन से कैसे होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मान लो ये 3 है तो ये दोनों का रैंक 2 और 2 हो जाना चाहिए, तो भी काम चल जाएगा। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसके लिए अपन कर सकते हैं कि लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0 कर दीजिए और न्यू माइनस 10 इक्वल टू भी क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, तो अपना वो कंडीशन भी बन जाएगा। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे इसको मिटा के लिख देता हूँ, क्या इसके लिए अपन यहाँ पर क्या लिख देते हैं कि लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0, लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0 मतलब लैम्डा की वैल्यू 3 भी हो सकती है या म्यू माइनस 10 इक्वल टू 0, तो म्यू का वैल्यू क्या हो सकता है, 10 भी हो सकता है फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। समझ में आ रही है बात, आई होप आप सभी को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देख लो कि जब लैम्डा की वैल्यू 3 रहेगी, म्यू की वैल्यू कुछ भी हो 10 को छोड़कर, तो लो सॉल्यूशन बनेगा। अगर लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं हो उसके अलावा कुछ भी हो और म्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो अपना यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, और लैम्डा की वैल्यू 3 म्यू की वैल्यू 10 पुट कर दिया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा। समझ में आ रही है बात। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरली पूछते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, आपको बस टेस्ट करने का प्रोसीजर पता होना चाहिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा, जल्दी से इसे नोट कीजिए, समय हो गया आज के क्वेश्चन का। ये रहा स्टूडेंट्स आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन जो पूछा पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर 2004 में और आरटीएम यूनिवर्सिटी नागपुर 2007 में। क्या बोल रहा है, इफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, इन तीनों का कोई सॉल्यूशन नहीं है, अगर नो सॉल्यूशन है तो इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है, ए प्लस सी इक्वल टू 2b की ए प्लस बी इक्वल टू 2c या ए प्लस बी इक्वल टू सी। क्लियर है, जल्दी से मुझे इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन फॉर गेटिंग न्यू अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। सी यू सून इन अवर नेक्स्ट वीडियो।